हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि सनस्क्रीन लगाना आपके डेली रूटीन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप स्किन केयर करते हैं, चाहे वो नाइट स्किन केयर हो, चाहे वो मॉर्निंग स्किन केयर हो, जितनी वो कंपलसरी आपकी लाइफ में, उतना ही कंपलसरी डे टाइम में ये सनस्क्रीन लोशन लगाना। एक तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये आपको जितना भी आप स्किन केयर करते हैं उसको एक लंबे समय तक बना के रखेगा, आपके जो स्किन को है प्रॉपर जो हेल्दी बना के रखेगा, अगर आप सनस्क्रीन प्रॉपर अपनी रूटीन में शामिल करते हैं। साथ साथ आप किसी भी तरीके का, आपकी स्किन किसी भी तरीके की हो, उसमें बहुत अच्छे से जो सनस्क्रीन है काम करता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सनस्क्रीन आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइज़र बेस्ड सनस्क्रीन मिल जाएंगे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड मॉइस्चर सनस्क्रीन मिल जाएंगे। तो बस आपको ध्यान में रख के सनस्क्रीन को ख़रीदना है, क्योंकि सभी की स्किन के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सनस्क्रीन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ साथ जो आपका सनस्क्रीन है वो 30+ होना चाहिए, 30-40+ होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो उसमें हम SPF देखते हैं, जो 30-40, वो हमारी इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट रहता है, वो हमारी स्किन पे अच्छा वर्क करता है। साथ साथ जब कभी भी आप सनस्क्रीन परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी डेट जरूर चेक कर लें। बहुत लोग डेट देख के बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, कई बार एक्सपायरी भी ले लेते हैं या फिर 1 से 2 महीने रह जाते हैं तो भी परचेज़ कर लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, आपकी स्किन पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। सनस्क्रीन लेते समय एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, आप UVA और UVB जिन सनस्क्रीन में हो वही सनस्क्रीन लो, क्योंकि ये दोनों ही आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हैं। जब ये दोनों चीज़ें आपके सनस्क्रीन में होगा तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। सूरज की जो किरणें होती हैं उनमें UV और UVB पाया जाता है, जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल है, तो इसलिए सनस्क्रीन में ये चीज़ ज़रूर आप चेक कर लेना। साथ साथ जो आपकी स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग अगर आप सनस्क्रीन लेंगे तो वो जल्दी से वर्क करेगा। मैं यहाँ पर कभी भी एक सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती हूँ। गाइस, मैं एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी लंबे समय तक आप एक चीज़ मत यूज़ करें। उससे क्या होता है, जो प्रिजर्वेटिव चीज़ें होती हैं ना, वो लंबे समय तक अगर आप स्किन पे आप बना के एक जो बिल्ड बना लेंगे तो उससे क्या होगा, स्किन के लिए कहीं ना कहीं वो हार्मफुल होती है। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करते रहें, 2 सनस्क्रीन घर में ज़रूर रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपकी स्किन के लिए। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, अगर आप मेकअप कर रहे हैं, अगर आपने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है, तो आप अपने फाउंडेशन में भी सनस्क्रीन लोशन मिक्स करके लगा सकते हैं। एक तो ये मॉइस्चराइज़र का काम करेगा, साथ साथ जो आपका फाउंडेशन है काफ़ी फ्लॉलेस लुक भी, और एक शाइनी सा आपको फेस पे ग्लो भी मिलेगा। तो बस ये था छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको फॉलो करनी है, और अपने डेली रूटीन में सनस्क्रीन ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि ये जहाँ आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, साथ साथ आपकी स्किन को हेल्दी बना के रखेगा, सन बर्न से बचाएगा, सन टैनिंग से बचाएगा, साथ साथ जो स्किन पे बहुत सारी डिसीज़ हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं उनको अक्सर डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन जिसको बोला जाता है, वो भी बहुत लोगों को ये धूप का ही नतीजा होता है जो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। तो अगर ऐसे में अगर आप अभी तक सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसे ज़रूर यूज़ करें, हर कोई यूज़ करें, और अपने डेली रूटीन में आपको शामिल ही करना है। तो बस ये था छोटा सा वीडियो गाइस, अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दें। इसी से रिलेटेड मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो गाइज वहाँ पे जाके चेकआउट करें, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।